अब्दुल्ला का मकसद है मऊ का बेटा ही मऊ का नेता होगा, इस नारा के साथ हम लोग समाज में निकले हैं और समाज के हर गांव में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। मऊ जनपद की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनी, उसकी मासिक बैठक, उस मासिक बैठक में हम लोग आए। माननीय आदित्य जी आपके आजमगढ़ में 26 तारीख को एक जनसभा को संबोधित करें और वह 27 तारीख को आपके मऊ होते हुए बलिया के लिए जाकर के वहाँ भी एक सभा को संबोधित करें। तो हम सब लोग आज क्योंकि सभी लोग इसी मंडल के प्रभारी हैं, तो यहाँ से लेके बलिया तक उनको स्वागत से लेकर के और सभा कराने की जिम्मेदारी हमारी सब मंडल प्रभारियों की है। उसी क्रम में हम सब लोग यहाँ आए हैं। आप 2019 में भी आप ये मान के चलिए कि जो लोकसभा का चुनाव होगा, एक सीट छोड़कर माननीय नेताजी की सीट छोड़कर सभी पार्लियामेंट आज नेताजी के संसदीय क्षेत्र के नाम बदला जा रहा है, उसके लिए विधायक ने पत्र लिखा है, क्या कहेंगे इसके? वो नाम बदलने का पावर विधायक को नहीं है, अन्य किसी को, चुनाव आयोग इस पर जो डिसीजन करेगा। नाम बदलने से आदमी थोड़ा ना बदल जाएगा, सीट का नाम बदल जाएगा ना। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया तो फैजाबाद कोई भूलेगा? ऐसा नहीं कुछ, नाम बदलने से सीट नहीं बदल सकती। नेताजी की सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर आपकी समाजवादी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया अवश्य लड़ेगी। यह है, अगर हम आज आपसे कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमको भी महागठबंधन का में रखा जाए, महागठबंधन संतोषजनक और सम्मानजनक हमारा रहेगा, तो हम सब लोग उसके लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद।